पाकिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। जब शाम के 5 बजते हैं तो आपके सामने हाजिर हो जाते हैं और 5 के 5 प्रोग्राम में आपको जम्मू कश्मीर की खबरों से रूबरू करवाते हैं, बात करते हैं दुनिया भर की तमाम खबरों की और भारत का तो जिक्र होता ही है, यानी अपने देश की तमाम खबरें आपके सामने रखते हैं। लेकिन आपको करना इतना है, सोशल मीडिया के माध्यम से आपको हमारे साथ जुड़ जाना है, क्योंकि जब 5 बजे हम आपके सामने आते हैं तो ये प्रोग्राम फेसबुक पर लाइव जाता है। आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं प्रोग्राम आपको कैसा लग रहा है, नहीं तो सोशल मीडिया का जमाना, इंस्टाग्राम पे आप आइए, ट्विटर अकाउंट पर आप आ सकते हैं, कू ऐप पर भी आ सकते हैं, यानी कू पर भी आप पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं, लेकिन गुलिस्तान न्यूज़ का ऐप पर भी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप खबरों से खबरदार होते रहेंगे। लेकिन 5 के 5 प्रोग्राम में जब हम आपके सामने आते हैं तो एक एक करके 5 तस्वीरें सबसे पहले रखते हैं जो आपको बताती हैं पूरे दिन का ब्यौरा कि पूरे दिन में क्या कुछ खबरें रही हैं, और उन्हीं खबरों को एक एक करके हम आपके सामने रखते हैं ट्रेंडिंग करती हुई तस्वीर, और उसके बाद जम्मू कश्मीर की खास खबरें आपको बताते हैं। सबसे पहली तस्वीर हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं जो 5 के 5 में पहली तस्वीर है जो आपको बताएगी खबर क्या है। ये तस्वीरें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की हैं। आपको राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बहुत सारी ऐसी जगहें देखी होंगी जहां पर आपको घूमने का मन करता होगा, दिल्ली का सीपी वाला एरिया है या फिर संसद भवन वाला एरिया है, तमाम ऐसे एरिया हैं जहां पर आप जाके घूमने का मन करता होगा, लेकिन बारिश के दौरान आप मत जाइएगा। ऐसे हालात हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के, खासतौर पर नॉर्थ दिल्ली के अंदर ऐसे हालात बने हुए हैं और साउथ दिल्ली के अंदर ऐसे हालात बने हुए हैं, क्योंकि कल पूरा दिन रुक रुक कर बारिश होती रही, लेकिन आज की जो तस्वीर नजर आई वो कुछ इस तरीके से थी कि सड़कों पर पानी भरा हुआ था और सड़कें दिख नहीं रही थी, तालाब ही आप उससे समझिएगा, लेकिन कहीं कहीं पर मेट्रो स्टेशन के बाहर पेड़ भी गिरे हुए नजर आए। अगर नॉर्थ दिल्ली के इलाकों का जिक्र करें तो आदर्श नगर और जहांगीरपुरी पे ऐसी तस्वीरें देखने को मिली जहां पर लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, और आज ये कहा जाता है कि लोगों को सुबह से ही काफी दिक्कतें हो रही थी जब वो ऑफिस के लिए निकल रहे थे, और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब आज सुबह ऐसी तस्वीर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई इलाकों से सामने आई है। हालांकि जब मौसम का जिक्र हो रहा है तो आपको बता देते हैं कि उत्तर से दक्षिण तक इस वक्त ठिठुरन थोड़ी बनी हुई है, क्योंकि तापमान में गिरावट है, पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी हो रही है। बात अगर जम्मू कश्मीर की करें तो कई इलाकों में इस वक्त हल्की बर्फबारी हो रही है, उत्तराखंड के अंदर कई इलाकों में बर्फबारी हो रही है हल्की, लेकिन मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है। और बात अगर हम दक्षिण की करते हैं तो दक्षिण के अंदर भी इस वक्त बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। मौसम के हालात आपको बता दिए हैं और साथ ही साथ तस्वीरें आपको दिखा दी हैं कि मौसम जब बदलता है तो कैसे शहरों के हालात हो जाते हैं बद से बदतर, जिसकी तस्वीर आपके सामने है। दूसरी तस्वीर आपके सामने रखेंगे 5 के 5 प्रोग्राम में जो आपको बताएगी खबर क्या है। दूसरी तस्वीर राहुल गांधी को लेकर है। दरअसल राहुल गांधी को लेकर लगातार बवाल मचा हुआ है सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी। आज बाहर सदन के बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और आज सुबह ही जब तड़के उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई तो उसमें कहा गया कि राहुल गांधी राजा बनना चाहते हैं और राहुल गांधी ढिंडोरा पीट रहे हैं अलग अलग दुनिया के देशों में जाकर कि मुझे राजा बनना है। ये नवाबगिरी जो राहुल गांधी करना चाहते हैं वो नहीं चलेगी, और राहुल गांधी को लंदन में दिए बयान पर माफीनामा देना होगा और माफी मांगनी होगी, और माफी मंगवा कर रहेंगे। फिर क्या था, जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, सदन की कार्यवाही उसके बाद शुरू हुई, लगभग 11 बज रहे थे, सदन की कार्यवाही शुरुआत होते ही स्थगित 2 बजे के लिए कर दी गई और उसके बाद गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी गई, क्योंकि हंगामा राहुल गांधी के मुद्दे पर हो रहा था कि राहुल गांधी लंदन वाले बयान पर माफी मांगे जब उन्होंने कहा था कि देश में संकट है और लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है, लोकतंत्र खतरे में, भारत देश का है, उस बयान पर माफी मांगने को कह रही है बीजेपी। लेकिन कांग्रेस भी सदन के अंदर डटी रही और अडानी के मुद्दे पर जेपीसी मांग करती रही, यानी बजट सत्र का दूसरा चरण चल रहा है, हंगामे की भेंट वो चढ़ रहा है, और आज भी ये तस्वीर देखने को मिली। और आगे जब गुरुवार को एक बार फिर से शुरुआत होगी सदन की कार्यवाही की तो शायद यही खबर 5 के 5 में हम आपके सामने रखेंगे और कहेंगे कि सदन की कार्यवाही स्थगित हो गई, सदन नहीं चल पाया हंगामे की वजह से, क्योंकि अब ये भविष्यवाणी भी आप कर सकते हैं क्योंकि सदन की कार्यवाही अब तक नहीं चल पाई है, दूसरा जब बजट सत्र जब से शुरुआत हुआ है, दूसरा चरण जब से शुरुआत हुआ है, जनता के मुद्दे नहीं उठ पा रहे हैं और ये देश की विडंबना है। फिलहाल तीसरी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और तीसरी तस्वीर के माध्यम से आप समझ पाएंगे खबर क्या है, क्योंकि तीसरी तस्वीर अमृतपाल को लेकर है। अमृतपाल खालिस्तानी समर्थक अभी भी फरार है और पंजाब पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ रहा है। ये कहा जाता है कि जब पंजाब पुलिस उसे पकड़ने के लिए लगी थी अमृतपाल के पीछे तो अमृतपाल बाइक से फरार हो गया था, लेकिन अभी अभी ये जानकारी मिली है कि उसने पंजाब के एक गुरुद्वारा साहिब में
रुका, लंगर चखा और उसके बाद वहां से वो फरार हुआ। यानी कुछ लोगों ने उसकी मदद भी की। अब वो कौन लोग थे इसकी जांच दरअसल पुलिस की तरफ से की जा रही है, क्योंकि कहा जाता है कि उसके समर्थक कम से कम 100 से ज्यादा इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में हैं। 5 समर्थकों पर जो उसके साथी हैं NSA भी लगाया जा चुका है। लेकिन अमृतपाल के पिता लगातार ये दावा कर रहे हैं कि पुलिस उन्हें पकड़ चुकी है, लेकिन पुलिस जानबूझकर नहीं बता रही कि अमृतपाल को उन्होंने पकड़ लिया और अमृतपाल का एनकाउंटर तक हो सकता है। खैर, अमृतपाल के पिता की भविष्यवाणी कितनी सच होगी ये तो वक्त ही बता पाएगा। पुलिस साफ के इनकार कर रही है कि अभी अमृतपाल पकड़ा नहीं गया है। इन्फॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश पुलिस इस वक्त कर रही है और अमृतपाल को लेकर इस वक्त पंजाब के अंदर काफी हंगामा मचा हुआ है। लेकिन आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई पंजाब को लेकर खासतौर पर, और कह रहे हैं कि पंजाब की शांति भंग करने की अगर कोई भी कोशिश करेगा तो उसका हश्र क्या होगा वो आप अच्छे से समझ सकते हैं, और इशारा किस और था वो भी आप समझ गए होंगे। फिलहाल चौथी तस्वीर आपके सामने रखते हैं और चौथी तस्वीर के माध्यम से आपको बताते हैं खबर क्या है कि चौथी तस्वीर आप देख रहे हैं गुलाम नबी आजाद साहब की है। गुलाम नबी आजाद साहब ने जब से अलग पार्टी बनाई है, जब से गुलाम नबी आजाद साहब एक दिन भी आराम नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। और आज जब लोगों के बीच पहुंचा गया तो थोड़ी देर में हम आपको सुनवाएंगे किस तरीके से कटाक्ष किया गया अन्य पार्टियों पर, बीजेपी पर। और उन्होंने कहा कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर की राजनीति होती है वो सब जानते हैं, जनता को समझना होगा। और जम्मू कश्मीर को आखिर क्यों दो भागों में बांटा गया, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया तो लद्दाख को अलग कर दिया गया। बात 370 की भी हुई, बात पूरे जम्मू कश्मीर की हुई और जम्मू कश्मीर की तस्वीर की हुई। क्या कुछ कहा गुलाम नबी आजाद ने थोड़ी देर में हम आपको जरूर सुनवाएंगे, थोड़ा सा इंतजार आप जरूर करिएगा। पांचवी खबर आपको दिखाते हैं, आखिरी तस्वीर आप देखिएगा, क्योंकि पांचवी तस्वीर के माध्यम से भी खबर क्या है आपको समझ में आएगी। कल से नवरात्रों की शुरुआत हो रही है, कल 22 तारीख है और जब चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो रही है तो मंदिर सज चुके हैं। वैष्णो देवी से लेकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मंदिर फूलों से सजाए जा चुके हैं, तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मंदिरों में जाइए, माँ के दर्शन करिए, आशीर्वाद लीजिए और पूरे देश की सुरक्षा की कामना करिए, अपनी सुरक्षा की कामना करिए और सुख समृद्धि की कामना आप करिए इस नवरात्र के दौरान। लेकिन हमारी जो कामना है वो ये कि आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। फिलहाल पांच तस्वीरें हम आपके सामने रख चुके हैं, अब आते हैं जम्मू कश्मीर की कुछ खास खबरों पे। सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर की एक बड़ी खबर की, क्योंकि आज LOC को लेकर बयान सामने आया है और LOC को लेकर भी बयान सामने आया। दरअसल उत्तरी सेना प्रमुख ने LOC के बारे में जानकारी दी है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लद्दाख में LOC पर चीन के साथ यथास्थिति बरकरार है, यह दरअसल बात कही गई है। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण में हालात हैं, उत्तरी सेना प्रमुख की तरफ से यह भी बयान दिया गया है और आतंकी घटनाओं को पूरी तरीके से रोकने की कोशिश जारी है, यह दरअसल कहा गया है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र त्रिवेदी ने कहा कि लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर चीन के साथ यथास्थिति बनी हुई है और विभिन्न स्तरों पर बातचीत भी जारी है। कश्मीर में स्थिति नियंत्रण में है, जम्मू कश्मीर जहां आतंकी घटनाओं को पूरी तरीके से रोकने की कोशिश जारी है। दरअसल ये बातें उधमपुर स्थित उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ GOC ने जम्मू शहर के डिग्याना में जम्मू कश्मीर राइफल के मेगा वेटरनर संपर्क रैली को संबोधित करने के दौरान कही है। कार्यक्रम में 800 से अधिक दिग्गजों और वीर नारियों की तरफ से हिस्सा लिया गया था। दरअसल लेफ्टिनेंट जनरल त्रिवेदी ने कहा कि LAC पर चीन के साथ यथास्थिति बनी हुई है, बातचीत चल रही है, हमारे सभी फॉर्मेशन उच्च स्तर की ऑपरेशन तैयारियों पर हैं। उत्तरी सेना अध्यक्ष ने पिछले साल 1 फरवरी को कहा था कि भारतीय सेना और चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी मई 2020 से पूर्वी लद्दाख में LAC के निकट कई क्षेत्रों में गतिरोध के चलते बंद है। फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि क्या कुछ कहा गया है उत्तरी सेना प्रमुख की तरफ से, लेकिन आपको उनकी जुबानी भी सुनवा देते हैं कि किस तरीके से LAC के हालात के बारे में बता रहे हैं। उसके बाद आपको डिफेंस एक्सपर्ट के पास लिए चलेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर क्या कुछ वाकई में हो रहा है और आगे आने वाले समय में तस्वीरें कैसी देखने को मिलेंगी। सबसे पहले मैं आपको नॉर्दर्न आर्मी कमांडर की हैसियत से ताजा हालातों के बारे में बताना चाहूंगा। जहां तक LAC पर सवाल है, चाइना के साथ हमारा स्टेटस को मेंटेन्ड है, विभिन्न स्तर पर तथा अलग अलग समय पर बातचीत जारी है और हमारी सारी फॉर्मेशन हाई लेवल ऑफ ऑफ प्रिपेयर्डनेस पर है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर जारी है और जो इन्फिल्ट्रेशन के कुछ प्रयास हुए हैं जिनको हमारी यूनिटों ने सफलतापूर्वक निष्फल कर दिया है। इंटरनेट
स्थिति काफी हद तक काबू में है। हमारे सीआईसीटी ग्रिड पूरी तरह से सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम कर रही है और कोशिश जारी है कि हम इस तरह की घटनाओं को पूरी तरह से रोक सकें। हमारे रेजिमेंट का गठन जैसे आपको विदित है 1820 में जम्मू में महाराजा गुलाब सिंह की अगुवाई में हुआ था। हमारे रेजिमेंट इतिहास में स्वर्णिम इतिहास में अगर आप देखें तो जन जोरावर सिंह की अगुवाई में तिब्बत गिलगित यसेन बरेल उंदा नगर चिलस चित्रल जैसे इलाकों को फतेह करके अपना परचम लहराया था। 1820 से लेकर अभी तक के हर युद्ध में हमारी रेजिमेंट ने हिस्सा लिया है और अपना शौर्य और बलिदान की अद्भुत मिसाल दी। हुसैनीवाला ऑपरेशन में फोर्ट जैकरिप के साहसिक कार्य के और इतिहास में हमारी बहादुरी को देखते हुए हमारी रेजिमेंट को भारतीय सेना का अभिन्न अंग बनाया गया और 1963 में हमारे रेजिमेंट को पुनः जम्मू कश्मीर राइफल्स रेजिमेंट का नाम दिया गया। हमारे रेजिमेंट ने हर क्षेत्र में देश सेवा की अनेक मिसाइलें कामें की हैं जिसकी वजह से हमारे रेजिमेंट को दो परमवीर चक्र, दो अशोक चक्र, एक पद्म भूषण, 5 महावीर चक्र, 11 कीर्ति चक्र मिलाकर अनगिनत सम्मानों से सम्मानित किया गया है। इस रैली के माध्यम से हम उन पूर्व सैनिकों का सम्मान करना चाहेंगे जिनके कारण आज हम स्वतंत्र और स्वच्छंद हैं। तो पूर्व सैनिकों का सम्मान किया जा रहा था और साथ ही साथ एलएसी की यथास्थिति के बारे में बताया भी जा रहा था और वो तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे। फिलहाल कैप्टन अनिल गौर साहब इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। अनिल गौर जी आपका स्वागत कर रहा हूँ 5 के 5 प्रोग्राम में। आप हमारे साथ जुड़े हैं, अपना समय निकाला है आपने, क्या कहेंगे आप? क्योंकि ये पहली बार बयान नहीं था, कई बार हम बयान सुन चुके हैं। इससे पहले थोड़ी दिनों पहले एक निजी चैनल का इंटरव्यू पेयर विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से भी चीन को लेकर कई बातें कही गई थी कि क्या बॉर्डर पर हालात बने हुए हैं, एलएसी पर यथास्थिति क्या है, क्या लगता है आपको? क्योंकि हम देख रहे हैं कि बातचीत लगातार जारी है, चीन कहां पर खड़ा है, भारत की आर्मी कहां पर है, वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, लेकिन हम पूरी तरीके से सक्षम है ये भी लगातार बता रहे हैं खुलेआम। देखिए ऐसा है कि जो चीन के साथ स्थिति बनी हुई है हर्ष जी, वो एक ऐसी स्थिति है कि हिंदुस्तान जब ये अग्रीमेंट हुआ कि भाई जो दोनों सेनाएं जो हैं वो वापस अपने अपने स्थान पे चली जाएंगी, जो जो प्री ये इंक्लूजन जो था उससे पहले उसमें हिंदुस्तान ने अपना जो पक्ष है अपनी तरफ से पूरा कर दिया कि ईस्टर्न लद्दाख के अंदर कैलाश रेंजेस वगैरह वकेट कर दी, बाकी जगह जो है वहां से वापस हो गए हैं। पर चीन जो है वो जो गलवान घाटी और जो आगे के जो रेस्पांग प्लेन्स है और जो आपका दौलताबाग ओल्डी वाला इलाका है वहां से जो है वो हटने को तैयार नहीं है और अभी तक नहीं हट रहा वहां से। और ये चीज जो है ये बार बार अभी 15वीं राउंड भी हो गया है बातचीत का और उसको लगता है कि उसके अंदर चीन वो उधर से हटने को तैयार नहीं है। एक दूसरा चीन अपना बिल्डअप जो है क्योंकि जो अब जब अग्रीमेंट हुआ था उसके अंदर ये जो उनका जो पहले हमारा जो 19 का अग्रीमेंट था जी, उसमें यही था कि भाई जो फोर्सेस हैं जो लद्दाख के अंदर लद्दाख रीजन के अंदर चाहे वो चीन की जो है वो ऐसा बिल्डअप कभी नहीं होगा। पर चीन ने उसको भी तोड़ के जिस हिसाब से हिंदुस्तान के अंदर इंक्लूजन करने की कोशिश की अब वहां पे जो फोर्सेस है वो बजाय उसको घटाने के वहां पे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है। वो अब वो इलाका जो है वो चीन के पास है तो हिंदुस्तान का, पर क्योंकि चीन के कब्जे में है अब चीन उसके ऊपर वो जो है अपने वहां पे एक तो फाइबर ऑप्टिक्स वगैरह भी ले कर रहा है, वहां पे परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट भी बना रहा है जिससे लगता है कि चीन वहां से जाने के राजी नहीं है और ना ही जाएगा। अब उसका हल यही है कि हिंदुस्तान को भी अभी तक क्योंकि हमने अपना बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं किया हुआ था, हमने उसी हिसाब से छोड़ा था कि ठीक है जी चीन भी नहीं आएगा हम भी नहीं जाएंगे, पर अब हमें क्योंकि चीन के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते इसलिए हमने भी अपना बिल्डअप करके उस हिसाब से रखा हुआ है। और बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहे हैं कि किस तेजी के साथ वहां पे हमारी रोड वगैरह सारा जो है सारी वो जो चीजें हैं सारी बन रही हैं। वो इसलिए
क्योंकि अब हमें ये लगता है कि देखिए हम जिस हिसाब से चीन के साथ पहले बातचीत करके सुलझा देते थे, अब वो बात नहीं है, क्योंकि अगर हम अभी तैयार होके नहीं बैठे, चीन का कोई पता नहीं है। लेकिन अनिल जी, आप ये कह रहे हैं कि हमें दोनों तरीके से तैयार रहना होगा, क्योंकि हम देखते थे कि पहले वो स्थिति नहीं थी, पहले घोड़े से सामान जाता था, अन्य स्थितियां हमने देखी है, लेकिन अब बीआरओ की तरफ से आप देखिए कैसा काम किया गया है, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर के आप जिक्र कराए हैं, तो क्या दोनों फ्रंट पर हम तैयार हैं कि हाँ अगर आप बातचीत से मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो हमने वर्ल्ड सिनेरियो भी ऐसा तैयार किया है कि अगर हम कोई कार्रवाई करते हैं तो दुनिया हमारा भी साथ देगी, ऐसी सिचुएशन भी हमने देखी है इस वक्त जो एस जयशंकर साहब दुनिया के कई देशों में जाकर कह के भी आए हैं। अनिल जी बिल्कुल, देखिए इसीलिए हमने जो है अपना वहां पर डिप्लॉयमेंट जो है हमने सारी तरीके से की हुई है, हमने अभी कोई उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी, मेरे को ज्यादा उसके ऊपर मतलब कि डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, पर मैं इतना आपको कह सकता हूं कि हमारी फौज जो है वहां पे पूरी सक्षम है चीन को रोकने के लिए और चीन के साथ मुकाबला करने के लिए और चीन को हराने के लिए भी, ये मैं आपको पूरा यकीन से कह सकता हूं, क्योंकि हमारे जो हमारे मेन हैं, जो हमारे फौजी हैं, जो हमारे फौजी जवान हैं, जो हमारे अफसर हैं, वो चीन के फौज के फौजियों से और फौजी अफसरों से कई गुना जो हैं वो देश की रक्षा और देश के लिए जान मर मिटने के लिए तैयार होते हैं। एक तो वो जो फैक्टर होते हैं जिसको कहते हैं मैन बिहाइंड द मशीन, आपके पास जितना मर्जी अच्छी औजार हो, जितना अच्छी अच्छा आपके पास बढ़िया सामान हो, पर अगर आदमी की जो नीयत है पीछे उसके अंदर वो ही नहीं है तो वो समान का कोई फायदा नहीं। तो इसलिए हिंदुस्तान की जो फौज है और हमारे जो अफसर हैं वहां पे वो बिल्कुल तैयार है, और उसके साथ साथ अब जो हमारा इक्विपमेंट भी है उसी हिसाब से अपग्रेड हो गया है, वहां पे हमारे पास मिसाइल्स भी हैं, हमारे पास ड्रोन भी है, हमारे पास सब कुछ है। हम चीन को एक बड़ा, मैं कहता हूं ऐसा, अगर चीन ने अब दुस्साहस किया तो हो सकता है कि अब ऐसी उसको एक स्थिति में हिंदुस्तान खड़ा कर देगा कि सारे दुनिया के अंदर वो उसकी किरकिरी होती रही। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि तस्वीरें बदली हैं और ये तस्वीरें सिर्फ एक दो साल में नहीं बदली हैं, 2023 अब आ चुका है, बहुत सारी परिस्थितियां बदली हैं, और जब तस्वीरें बदलती हैं तो वाकई जवाब किस तरीके का होगा ये तो भविष्य बता पाएगा, लेकिन तैयारी पूरी है। अनिल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला हमारे साथ बातचीत की और आप हमारे चैनल के साथ जुड़े। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, क्योंकि जम्मू कश्मीर का जब जिक्र हो रहा है तो बात बजट को लेकर करेंगे। आज हंगामे के बीच लोकसभा में पास हुआ है जम्मू कश्मीर का बजट, बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। सदन की कार्यवाही गुरुवार तक के लिए फिलहाल स्थगित कर दी गई है, लेकिन हंगामे के बीच जम्मू कश्मीर का बजट पास हो गया है। बीजेपी सांसद जुगल किशोर शर्मा ने बजट पर अपनी बातों को रखा है और उसके बाद इस बजट को पास किया गया है। आपको जानकारी इस वक्त बड़ी दे रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों जम्मू कश्मीर का बजट पेश किया गया था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर का बजट पास हो गया है। ताजा जानकारी और बड़ी खबर आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल काफी हंगामा हो रहा था विपक्ष की तरफ से, लेकिन ठीक कहा जाता है कि जब सदन की कार्यवाही की शुरुआत हुई तो जम्मू कश्मीर के बजट को लेकर सांसद जुगल किशोर शर्मा ने बातें रखनी शुरू करी, जिसके बाद तुरंत जम्मू कश्मीर का बजट पास हो गया और उसके बाद सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर और ताजी जानकारी आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर इस वक्त केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए जम्मू कश्मीर के अंदर अपनी विधानसभा नहीं है और हम देख रहे हैं कि सदन के अंदर किस तरीके से बजट पेश किया गया, लेकिन अब जम्मू कश्मीर का बजट पास हो गया है, ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं और ताजा जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जब बीजेपी सांसद जुगल किशोर शर्मा ने बजट पर अपनी बातें रखी तो उसके बाद इसे पास कर दिया गया है। लेकिन विपक्ष के नेता हसनैन मसूदी की तरफ से कई बातें रखी गई हैं और उन्होंने बजट पर कई सवाल भी खड़े किए हैं। फिलहाल आपको ताजी जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं और बड़ी खबर बता रहे हैं कि कैसे जम्मू कश्मीर का जो बजट है वो पास हो चुका है, अब जिसको पटल पर पेश किया गया था, यानी सदन के पटल पर पेश किया गया था, और अभी कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर का जब बजट पास हो गया है तो तमाम योजनाओं का लाभ, जो पैसे आवंटित किए गए हैं, वो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर को मिल सकेगा। और अगर बात विपक्ष की करें तो विपक्ष ने सवाल भी खड़े कर दिए हैं जम्मू कश्मीर के बजट को लेकर, क्योंकि हसनैन मसूदी की तरफ से सवाल खड़े किए गए हैं, लेकिन जुगल किशोर जो कि बीजेपी के सांसद हैं उनकी तरफ से पूरा ब्यौरा बजट के बारे में दिया गया है, जिसकी जानकारी इस वक्त हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं।
चलिए फटाफट से बढ़ते हैं आगे और बात तो जम्मू कश्मीर की करेंगे, क्योंकि मुगल रोड से जुड़ी हुई जानकारी आपको देंगे। हल्की बर्फबारी हो रही है इस वक्त भी और ये कहा जाता है कि बर्फ हटाने का काम प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। आपको इस वक्त की बड़ी खबर दे रहे हैं और ताजा जानकारी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर मुगल रोड से बर्फ हटाने का काम जारी है और मुगल रोड पर एक बार फिर से ताजा बर्फबारी हुई है। थोड़ी देर में हम तस्वीरें आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन प्रशासन की तरफ से युद्ध स्तर पर काम जारी है और अभी भी हल्की बर्फबारी हो रही है। ये तस्वीरें हम आपको मुगल रोड की दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से मुगल रोड से बर्फ को हटाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कहा जाता है कि 1 से 1.5 फीट बर्फ जमी हुई है और ताजा बर्फबारी के कारण भी हालात खराब हुए हैं, जिसके बाद प्रशासन की तरफ से लगातार काम किया जा रहा है और प्रशासन बर्फ को हटाने का काम कर रहा है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े इस रास्ते पे, उसको लेकर पहले ही प्रशासन की तरफ से लगातार काम जारी रखे हुए था प्रशासन, लेकिन उसके बाद जब मौसम में बदलाव हुआ और मौसम खराब हुआ तो काम रुका, लेकिन एक बार फिर से काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, क्योंकि हल्की बर्फबारी तो हो रही है लेकिन काम की शुरुआत भी हो गई है जो युद्ध स्तर पर जारी है। और मुगल रोड की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आपको पूरा का पूरा मुगल रोड बर्फ से ढका हुआ नजर आ रहा होगा और कितनी फीट यहां पर बर्फ है उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं, क्योंकि 1.5 से 2 फीट की बर्फ बताई जाती है जिसे हटाने का काम इस वक्त किया जा रहा है। सनी शर्मा इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे सहयोगी, उनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। सनी, क्या कहेंगे, अभी बर्फ हटाने का काम जारी है, इससे पहले भी जारी था लेकिन मौसम खराब हुआ, अचानक जब मौसम में बदलाव हुआ तो एक बार फिर से बर्फबारी हुई है, अभी बर्फबारी जारी है क्या और कितने युद्ध स्तर पर काम चल रहा है इस वक्त के ताजा हालात बताइएगा हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि पिछले कई दिनों से लगातार मुगल रोड से जो है बर्फ हटाने का काम तेजी से चल रहा था और देखा जा रहा था कि जो बर्फ हटाने का काम है पीर की गली तक जो है जारी था, और बीती रात देखा गया है कि एक बार फिर से तेज बर्फबारी हुई और बर्फबारी से जो बर्फ हटाने का काम था उसमें कहीं ना कहीं अब देरी जरूर लग रही है, क्योंकि आज सुबह से ही मौसम में फिर से करवट बदली है और धूप जरूर निकली है, पर पीर की गली की अगर बात करें तो वहां पर अभी भी मौसम जो है वो खराब है और जो है थोड़ी थोड़ी जो बूंदाबांदी है वो चल रही है, पर जैसा ही हमारी भी कुछ लोगों से अभी बात हुई है कि वहां पर जो है बर्फ हटाने का काम जो है वो शुरू होना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर हमारे देखा जाता है कि जोरी पुंछ के जो लोग हैं पीर गली से ही कश्मीर जाना चाहते हैं और लोगों की पिछले कई दिनों से ये मांग थी और देखा जा रहा था कि उसी मांग को देखते हुए जल्द से जल्द इस बार बर्फ हटाने का काम जो है वो जारी किया गया था। ऐसा लग रहा था कि आने वाले 5-6 दिनों में बर्फ हटाने का काम जो है वो पूरा कर लिया जाएगा, पर ऐसा देखा जब बीती रात बर्फबारी हुई तो देखा जा रहा है कि 1 से 1.5 फीट बर्फ जो है फिर से गिर चुकी है और अब ऐसा लग रहा है कि इस महीने की एंडिंग तक जो है बर्फ हटाने का काम जो है वो पूरा कर लिया जाएगा। ठीक है सनी, कितनी गाड़ियां इस वक्त बर्फ हटाने में लगी हुई हैं, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं काम तो किया जा रहा है लेकिन मौसम बाधा बन रहा है, और मौसम वैज्ञानिकों से अगर आपकी बातचीत हुई हो तो कितने दिनों तक ये मौसम खराब रह सकता है, क्योंकि जब एक बार फिर से ताजा बर्फबारी हुई है, अभी काम चल रहा है लेकिन एक बार फिर से अगर बर्फबारी होती है 1 से 2 दिनों में तो और मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा कहीं ना कहीं प्रशासन। जी बिल्कुल, जिस तरह से मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि आने वाले दिनों में फिर से जो है बारिश हो सकती है, और जब भी ये बारिश होती है तो ये जो पीर गली का इलाका है एक बहुत ऊंचाई वाला इलाका है और अक्सर हम देखते हैं जब भी इन जम्मू कश्मीर या हमारे जो पूंछ का इलाका है यहाँ पर बारिश होती है तो वो पीर की गली की तरफ जो है वो बर्फ गिरना शुरू हो जाती है। अक्सर हम देखते हैं कि इन दिनों में भी उस इलाके में जो है वो बर्फ गिरती है, तो जो मेरी जब वहां पर जो टेक्निक टीम है उनसे बात हुई थी, उनका कहना था कि हमने जो है वो काम जो है वो शुरू किया हुआ है पर बारिश जो है ये बाधा बन जाती है। ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में अगर बारिश होती है तो यहाँ पर और भी बर्फ गिर सकती है, और जिस तरह से उनकी तरफ से ये कहा गया था कि इन दिनों में हम बर्फ हटाने का काम जो है वो पूरा कर लेते अगर बारिश ना होती, अगर इन दिनों में मौसम साफ रहता है तो इस काम को पूरा कर लिया जाएगा।
चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। लेकिन जल्द से जल्द प्रशासन ये कह रहा है कि काम युद्ध स्तर पर जारी है, तो आगे आने वाले समय में काम को पूरा किया जाएगा, मुगल रोड से बर्फ हटाने का काम किया जाएगा, बशर्ते अगर मौसम खराब हुआ तो थोड़ी परेशानी प्रशासन को जरूर होगी, लेकिन प्रशासन की तरफ से पूरा काम किया जा रहा है और सन्नी आपको पूरी रिपोर्ट देते रहेंगे, मेरे सहयोगी लगातार जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल पांच के पंच में आपसे अलविदा कहने का वक्त हो गया है, लेकिन कल ठीक 5 बजे आपके सामने फिर हाजिर होंगे। पांच के पंच में मुझे आप इजाजत दीजिएगा, ब्रेक के उस पार देखिए ग्राउंड रिपोर्ट।